मध्य प्रदेश में पिछली सरकार द्वारा किए गए कार्यों में हुए व्यापक भ्रष्टाचार की होगी जांच, कहा नव करणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव ने। सागर में शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस पर सागर और केसली में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के नव करणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव रहे। तो वहीं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन सागर के उपनगर मकरोनिया स्थित संत रविदास मंगल भवन में किया गया, वहीं केसली के मरामाथा में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मंत्री हर्ष यादव ने वर्तमान सरकार द्वारा आदिवासी समाज के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वचन को पूरा करेगी। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछली सरकार द्वारा कराए गए प्रत्येक बड़े कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है और उनकी सरकार इन सभी कार्यों की जांच करवा रही है और जो भी नाम इसमें लिप्त होंगे उनके सामने सिर्फ सरेंडर करने का विकल्प रहेगा। सागर क्षेत्र से एसआरबी पर राहुल ताम्रकार की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इस चित्र से पूर्व में भी ये कार्यक्रम होते थे। 15 वर्ष के कार्यकाल में कभी भी इस तरह के बड़े आयोजन नहीं हुए। हमारे नेता मुख्यमंत्री कमला जी ने इसको प्रारंभ पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित करने का निर्णय लिया। हम लोग निश्चित रूप से आदिवासियों के मुद्दे से ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाली सरकार रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मध्य प्रदेश में जैसे कांग्रेस की सरकार बनी है, चाहे जल की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे पिछड़ा वर्ग की बात हो, चाहे संबंध वर्ग की, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके कल्याण के लिए, जिसके लिए संबंध के लिए हमारे मुखिया कमला जी ने कामना की। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे नेता कमला जी ने संकेत संदेश दिया है कि हम आदिवासियों के हित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाली सरकार। 4 महीने 5 महीने से सरकार आई है, आपने एक बयान भी दिया है, उद्बोधन में आपने बोला है किसानों को लेकर आपने जो फैसले दिए हैं, आपने कटाक्ष का बोला है कि कुछ लोग बीजेपी के कटाक्ष करते हैं, क्या ये सीधा सीधा भार्गव जी मेरा कटाक्ष? नहीं, ये सीधी है मेरी बात। सरकार की आलोचना प्रत्यालोचना अच्छी बात करना चाहिए, मतलब अच्छे काम जो आलोचना कर रहे हैं उनको अपने गिरेवान में झांक के देखना चाहिए कि जब 15 वर्षों तक आपने किसानों के पे क्या किया, अन्नदाता की बात करने वाले, पिछड़ा वर्ग की बात करने वाले, तीन तीन मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के रहे, 14 वर्ष से आरक्षण 27% करने का काम उन्होंने नहीं किया। यदि काम किया तो कमला जी ने किया। आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की जो स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। आज हमने 20 लाख 22 लाख किसानों का कर्ज माफ कर चुके हैं। सीखनी ही हम लोग दूसरे चरण शुरू करने वाले हैं। 50 हज़ार से लेकर 1 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ करने वाले। मेरा कहने का तात्पर्य है आलोचना करें, तथ्यात्मक आलोचना करें तो लोग स्वागत करेंगे। समाप्त आलोचना ही करना, कमियां निकालना है विपक्ष की नीति नहीं होना चाहिए। आज कहीं ना कहीं हमने दो काम किए हैं। इस 100 दिन में जब लोकसभा चुनाव बीच में था, विधानसभा का सत्र चल रहा था, कहीं ना कहीं वो काम करने के काम किया है जो हमने वचन पत्र दिए थे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार जनता की अपेक्षा के अनुसार काम करने वाली सरकार बनी है। अगर रैली की बात करें, वहीं आपका एरिया विधानसभा देवरी है, वहीं जुड़ा हुआ एरिया नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी का रैली है, वहाँ पे आज जो स्थिति है एक परिवार को पुल बनाना पड़ा, आखिर ऐसी क्यों वजह आ रही है? मैंने आपने सुना होगा मध्य प्रदेश को बीमा विभाग का ढिंढोरा पीटने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, लगातार बीमा विभाग बोलते थे और स्वर्ण मध्य प्रदेश की बात करते थे। ये उदाहरण है जो आपने कहा। ऐसे पूरे रैली की बात नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति है, चाहे प्रधानमंत्री सड़क की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री सड़क योजना की बात हो, चाहे रोड की बात हो, हर योजना में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और गड्ढी में अपना चाल चरित्र और चेहरे में अंतर समझ आया है। जनता आज महसूस कर रही है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी कैसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं उनका वचन देते हैं, वो काम करने का विश्वास करते हैं। बीजेपी कार्यकाल में एक कुंभ हुआ था उज्जैन का, आपने भ्रष्टाचार की बात की, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कुंभ के समय कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था, क्या उस पर आप कोई कार्रवाई होगी? देखिए, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, कमला जी ने, तेजस्वी ने, सभी लोगों ने एक बात की है, जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे डब्बा कांड बात हो, चाहे व्यापक मामला हो, चाहे उज्जैन का
सभी की जांच होगी, ईडी की जांच शुरू हो चुकी है, लोगों में हड़बड़ी है, नासा है और कहीं ना कहीं एक नासा का भाव भारतीय जनता पार्टी के लोगों में पैदा हो चुका है। आगे आगे देखिए, इसमें बहुत सारी स्पष्ट होगी। मंत्री जी, बात है पूर्व गृह मंत्री जो कि यहाँ पर भाजपा सरकार है, पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह थे, उन्होंने उज्जैन का प्रभारी मंत्री भी है, अन्नदाता के नाम से वहाँ पे जाने जाते थे, तो क्या सबसे ज़्यादा घोटाला तो वहीं पे हुआ है? जब हम लोग पक्ष में थे, मैं पक्ष में विधायक था, मैं आपको आप लोगों को संज्ञान में लेना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें विधानसभा के पटल पर रखी थी। दुर्भाग्य की बात है, मोहम्मद था भारतीय जनता पार्टी का बात सुनवाई नहीं हुई, मगर कहीं ना कहीं पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है, महाकुंभ में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, वो जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं कहीं ना कहीं बचने की स्थिति में नहीं। सागर की बात करें तो खाद्य विभाग की कार्रवाई हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाइयों को लेकर कई संकेत ऐसे मिल रहे हैं जहाँ फैक्ट्रियों को लेकर अभी कार्रवाई की गई है, लेकिन उन पर जो नैतिक नोटिस तो जारी किया है लेकिन उनको सील नहीं किया गया, क्या कारण रहा? मध्य प्रदेश के ऐसा राज्य है जिसमें खाद्य के मामले में राजस्व कार्ड लगाने का निर्णय लिया है, तो हमारे स्पष्ट निर्देश है सभी अधिकारियों को, सभी नेताओं को, किसी मामले में दखलंदाजी पसंद नहीं करेंगे। आज जितनी कार्रवाई हो रही है पूरे प्रदेश में, इतनी कार्रवाई पूर्व सरकार में कभी नहीं हुई। हाँ, ग्राम मरा महादेव में आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाया, इसमें आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है, हमारे जो आदिवासी पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनके बारे में सुधार के लिए है जो आदिवासी विश्व दिवस मनाया जाता है, पिछले वर्ष हम लोगों ने मनाया है। इसके पहले नहीं मनाया, पिछले वर्ष से चालू किया है? पिछले वर्ष से चालू किया है। तो अब क्या चाह रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे? नहीं, इसकी परंपरा हम लोग बनाए रखेंगे जी। तो इसमें आप लोगों ने जैसे नृत्य किए हैं, जो ये डांस वगैरह करा, ये कौन कौन से नृत्य थे? ये सैताम नृत्य थे और सहरा नृत्य। और कौन से थे? सैतान, सहरा और कौन से थे?